अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। ये व्लॉग है ख़ास क्योंकि आज के व्लॉग में होने वाली है बहुत सारी धमाल मस्ती। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया ईद पर। दो दिन तक तो मैंने अपना न्यू जो ईद का मैंने, वैसे तो मैंने सिलवाए नहीं थे कपड़े, ईद पर सिलवाए थे मीठी ईद पर, तो वही रखे हुए थे। वो भी मैंने ईद पर नहीं पहने क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में और चीज़ों को रखने में, रखाने में सारा जो टाइम था ना उसी में चला गया था। फिर जब बंदा थक जाता है ना तो फिर तैयार होने का भी दिल नहीं करता। लेकिन ईद के तीसरे दिन ना हमने बहुत इंजॉय किया, सारी कसर निकाल दी। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं ये है दूसरी ईद की। ये दूसरी ईद के नाश्ते में मैं बना रही थी कलेजी मसाला, जिसमें छोटी छोटी सी गोश्त की बोटियाँ भी डलती हैं, कलेजी भी डलती है, इसमें गुर्दा भी डला हुआ होता है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके और फिर ये बनाया जाता है। हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसमें जो है ना सारे मसाले बेसिक से, तिक्का मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च और ये सारी चीज़ें डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह, कुटी हुई हरी मिर्चें, सब चीज़ें डाल के भून लिया जाता है और बड़े मज़े का ये बनता है। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको। कुकर मैंने इस्तेमाल किया था सेकेंड ईद पर और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। मुझे बहुत आसानी हो गई थी इसको इस्तेमाल करने में। बहुत सारे लोग आप में से परेशान हो रहे थे कि पता नहीं आपने कभी इस्तेमाल किया है नहीं किया, तो आप ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने आ गया और अब तक मैं इसको 3 से 4 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। फ़िलहाल जा रही थी मैं छत पर क्योंकि छत जो है ना हमारी इतनी गंदी कर दी थी जो किराएदार ऊपर रहते थे, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो किराए पर चला जाता है, वो हमारा पोर्शन नहीं है। तो जब ये किराएदार जब जाते हैं ना तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे भी किराएदार आते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत गंद मचा के जाते हैं, फिर उसको साफ़ करने की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। तो खैर मैं आ गई थी छत पर क्योंकि छत पर जो है ना बारबेक्यू करने का अपना मज़ा आता है। जब किराएदार होते हैं ना ऊपर तो हम लोग नहीं आते हैं छत पर कोई, क्योंकि फैमिली को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। अभी खाली था तो हमने सोचा कि चलो जो है जाके छत पर इंजॉय करेंगे। सारी चीज़ें छत पर लेकर आए, पहले छत को अच्छी तरह से साफ़ किया। जो छत ऐसी हो रही थी कि दिखाने जैसी भी नहीं थी, हालत इसकी इतनी बुरी हो रही थी, तो बस इसको जो है ना हमने पहले साफ़ किया, धोया अच्छी तरह से और फिर हमने अपना सेटअप लगाना स्टार्ट किया। ये जो टेबल है ना बहुत पुराना है और ये टूटा हुआ ऊपर छत पर ही रखा हुआ था, तो इसको हम यूज़ करेंगे आज। इसको उल्टा करने का आइडिया जो है ना शायान ने दिया था कि इसके ऊपर इस तरह से लगाकर, ये सारे आइडियाज़ जो है ना इसके ही आ रहे थे सारे दिमाग में, क्योंकि बच्चों को भी ज़रा थोड़ा शौक होता है ना बारबेक्यू वगैरह करने का। तो तीसरा दिन जो होता है ना हमारा बारबेक्यू का होता है वैसे तो फैमिली का गेट टुगेदर हो जाएगा, थोड़ा सा बच्चे मस्ती भी कर लेंगे, मज़ा भी आएगा बच्चों को और जो छुट्टियाँ हैं ना उसमें बच्चों को थोड़ा सा जो है ना रिलीफ भी मिलेगा। तो अम्मी के घर से ना, अम्मी के घर पर कुर्बानी हुई थी दुम्बे और बकरी की, तो अम्मी के घर से आई थी मटन चॉप्स, वो बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से इसको बारबेक्यू करेंगे। और साथ में मैंने आपके साथ अभी 2-3 दिन पहले ही शेयर की थी सीख कबाब चिकन में शेयर की थी, तो मैं आपको डिटेल में रेसिपी तो नहीं दूंगी लेकिन तरीका आप लोगों को दिख जाएगा कि बिल्कुल सेम तरीका है चिकन का और बीफ का, सारे मसाले सेम है, रेसिपी सारी सेम है। फ़िलहाल मैंने जो मटन चॉप्स थे उनको अच्छी तरह से वॉश किया और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर हम मैरिनेशन लगाएंगे। तकरीबन मैरिनेशन का जो टाइम है ना चॉप्स पर तकरीबन 4 से 5 घंटे होना चाहिए। किसी भी चीज़ की बारबेक्यू के लिए अगर आप मैरिनेशन करते हैं ना, इवन सीख कबाब के लिए भी, तो उसको 3 से 4 घंटे का टाइम तो चाहिए चाहिए लाजमी। तो हम जो है ना सारे जब गेट टुगेदर करते हैं ना तो सारा जो वज़न है ना एक के ऊपर नहीं डाल देते, सब मिलकर करते हैं। तो मैं यहाँ पर इन 2-3 चीज़ों की मैं तैयारी करूँगी, बाकी जो चीज़ें हैं वो दूसरे पार्टनर्स करेंगे। तो जैसे पराठे हो गए, चपातियाँ हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई और इसके अलावा तिक्का बोटी हो गई, तो इस तरह से ना हम लोगों ने हिस्सा बाटी कर ली थी, काम बांट लिया था। तो खैर मेरे हिस्से में जो काम आया था वो मुझे ही करना था और मज़े की बात ये थी कि हमारी हेल्पर जो है ना वो गायब हो गई है। 2 दिन ईद के आई नहीं थी, तीसरे दिन आके कहती है मुझसे काम होता नहीं है, तो वो अल्लाह हाफिज़ करके चली गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पर। यहाँ पर मैंने ले लिया था एक बाउल में 3 क्यूब्स मैंने अपने लहसुन अदरक और पपीता पेस्ट के ले लिए थे, 2 क्यूब्स मैंने, 2 से 3 क्यूब्स ही मैंने हरी मिर्चों के ले लिए थे। आप इसको ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास क्यूब बना हुआ रखा हुआ था वो मैंने इस्तेमाल कर लिया है।
दही डाल दिया है तकरीबन इसमें आधा पाव के करीब, तंदूरी मसाला डाला है 1 टीस्पून के करीब, जो मेरा तिक्का मसाला बना हुआ है ना, सीख कबाब मसाला, जो ये मल्टी फंक्शनल मसाला है जो मैंने बनाया था, ये तिक्कों में भी इस्तेमाल हो रहा है, सीख कबाब में भी हो रहा है, बड़े मज़े का। 1 टेबल स्पून ये डाल दिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया हसबे ज़ायका, और साथ में डाल दिया जर्दे का रंग, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ज़्यादा कम आपकी मर्ज़ी है, और स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है ना सिरका इस्तेमाल किया था, आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वीडियो स्किप हो गई है। मैंने इसमें सिंथेटिक सिरका इस्तेमाल किया 1 टेबल स्पून के करीब, और उससे जो है ना ये एक तो जल्दी गल भी जाएंगे, इसमें पपीते का पेस्ट लाजमी गलना ही है इनको फटाफट, लेकिन सिरके से भी जो गोश्त है ना वो जल्दी थोड़ा सा गल जाता है, तो तिक्के वगैरह बारबेक्यू वगैरह में अगर डाल देते हैं ना तो थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, और फिर ये कि जल्दी गल भी जाता है। अब ग्लव्स पहनने की मेरी बिल्कुल भी काम करने की ग्लव्स पहन कर आदत नहीं है, लेकिन जब ये मिर्चों वाला काम हो रहा होता है ना तो मुझे लाजमी पहनने पड़ते हैं, तो बस मैंने ये ग्लव्स चढ़ा लिए हैं ताकि मुझे मिर्चें ना लगें, क्योंकि इसमें मिर्चें जब डली हुई होती है ना तो पूरा दिन जो हाथ है ना वो स्वेलिंग कर रहा होता है और इरीटेशन हो रही होती है। तो बस मैंने यहाँ पर देखें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, ये जो मैंने मैरिनेशन तैयार करके रखा हुआ था ना अपना दही वाला, वो मैंने इसके अंदर लगा के इसको मैरिनेट करके रख देना है, तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये पड़ी रहेंगी, और फिर इसके बाद जो है ना जब ये हम इनको सेकेंगे ना बारबेक्यू करेंगे तो बहुत मज़े की लगेंगी, सबको पसंद आई थी। वैसे भी मटन की जो चॉप्स होती हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। खैर ये देखें यहाँ पर जो है ना मैंने बीफ का कीमा ले लिया था, इसमें मैंने चर्बी इस्तेमाल की है, 2 किलो कीमा, 2 से 2.5 किलो के करीब कीमा होगा ये, और उसमें मैंने आधा पाव के करीब चर्बी डाली है बकरी के गोश्त की। भाई के घर पर जो कुर्बानी हुई थी ना उसमें मैंने चर्बी उठा ली थी कि मुझे ये सीख कबाब के लिए चाहिए, तो खैर वो डाल दी, और बाकी सारे मसाले सेम एज इट इज़ डाले हैं, प्याज और हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में आ गया ये तिक्का मसाला, नमक डाल दिया। अगर रेसिपी आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही है, तो आप इससे पिछला वाला जो व्लॉग है ना मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से सारी रेसिपी की जो क्वांटिटी है ना मेजरमेंट के साथ वहाँ से ले सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रही है, अंदाज़ा हो रहा है, तो यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। खैर ग्लव्स मैंने उतारे, इनकी ऐसी हालत हो गई थी, जब तक इसको जो है ना आप अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे ना तब तक इसकी ये कंडीशन नहीं होगी, बस ये कबाब यही मांगती है कि आपने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स किया हुआ हो। बाकी के इंग्रेडिएंट्स बाद में डालेंगे इसमें, ये थोड़ा सा फ्रिज में रखूँगी, और फिर ये जो है ना मैंने यहाँ पर गुर्दे कलेजी और अम्मी के घर से ये बकरे का आया हुआ था मेरे हस्बैंड के लिए निकाला है, क्योंकि उनको हल्दी नमक वाला जो है ना शुरू से पसंद है, वो अपने हाथ से कुछ पहले तो बना लिया करते थे, लेकिन आज जो है ना उन्होंने फरमाइश की कि आज तुम्हें सेक के देना है, तो आज बस मैं ये जो है इस पर सिर्फ हल्दी और नमक लगाकर इसको सिंपल चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा फ्लेम जला के और सी सलाद के अंदर पिरो कर जिस तरह से हम बारबेक्यू करते हैं ना उसी तरह से लगाकर बस सेक देना है, तो इसका इतना अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत स्मोकी और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आँच को थोड़ा सा हल्का रखना है वरना बाहर से काला हो जाएगा अंदर से कच्चा हो जाएगा, अगर ये रेसिपी फॉलो करें तो इस बात को भी फॉलो कीजिएगा। तो बस मेरे बच्चे भी ये बड़े शौक से खाते हैं, ख़ास तौर से मेरी सास और ससुर को ना मेरे हस्बैंड लाजमी ये सेक कर देते थे, तो उनको भी बहुत पसंद आता था ये, तो हमारी ये भी जो है ना ये भी एक समझ ले ट्रेडिशनल है कि हमारे घर में ये लाजमी जब बकरा ईद आती है ना तो ये लाजमी बनता है ये। खैर ये मैंने जो है ना अच्छी तरह से सेक लिया, बहुत अच्छा सा अंदर से भी कुक हो गया था। अब यहाँ पर देखें ये मैंने जो सीख कबाब का कीमा रखा था ना फ्रिज में मिक्स करके, इसके अंदर मेयोनीज़ या क्रीम जाता है, बाद में धनिया जाता है और सोडा जाता है। अच्छा मैंने इसके अंदर जो है ना वो बेसन डालना भूल गई थी, तो वो भी बाद में ऐड कर सकते हैं, और बेसन की जगह पर मैदा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सिर्फ इसलिए ऐड किया जाता है ताकि सेकने के टाइम पर या फ्राई करने के टाइम पर ये सीख कबाब टूटे ना, तो ये तकरीबन 2 किलो के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जाता है, इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा जब डाल देते हैं तो ये चिकना हो जाता है और वो भी सही नहीं है। तो बस मैं हो गई तैयार और फिर आ गए दोबारा से छत पे रात के टाइम, बिल्कुल सारी तैयारियां होने के बाद यहाँ पर देखे मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना डिस्प्ले में लगा दी हैं, क्योंकि सामने वाली साइड पर जो है ना ये सिगड़ी लगेगी और एक साइड पर मैं बना बना के जो पिरो पिरो के देती जाऊँगी, मैं होंगी और सारी जो दूसरी लेडीज़ होंगी ना हम सब मिलकर ये काम करेंगे, पिरोने वाला, और जो जेंट्स हजरात होंगे वो सेकने वाला और ये कोयले जलाने वाला जो मुश्किल काम है वो करेंगे। सारी जो लाइट्स की जो फिटिंग थी ना वो भी हमने लगाई, क्योंकि छत पर लाइट्स नहीं है और इस तरफ जो है ना हमें रोशनी चाहिए थी, तो सारी मैंने नीचे से वायर खींच कर
अपने घर से, और यहाँ पर छत पे लाइटिंग भी लगवाई है। ये सारा काम हारिस कर देता है आसानी से, तो उसने ये सारा काम कर दिया था। बस इसकी कमी थी, क्योंकि इसके बगैर बारबेक्यू की पार्टी अधूरी रह जाती है, तो इसका भी इंतज़ाम किया हमने कि चलो थोड़ा सा जो है ना एक फ़न हो जाएगा, बच्चों का भी, बच्चों का दिल बहलेगा और हमारा भी। खैर यहाँ पर बारी आ जाती है कोयला जलाने की। ये सबसे मुश्किल काम है बारबेक्यू करते वक्त, क्योंकि कभी कभी कोयले ऐसे ढीठ आ जाते हैं ना कि वो जलने का नाम नहीं लेते। मिट्टी का तेल मंगवाया था उसके लिए, और जितना सारा मंगवाया था ना वो सारा ही इस्तेमाल हो गया। वरना कभी कभी क्या होता है कि कोयले बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो वो फ़ौरन से जल जाते हैं, लेकिन ये वाले जो कोयले थे थोड़ा सा देर से जले थे, और मतलब चले थे टाइम तक, काफ़ी टाइम तक। जितना भी हमने बारबेक्यू किया ना, इसके लिए हमें दूसरी बार कोयले जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो फिर मैं यहाँ पर बैठकर सीख कबाब पिरो पिरो कर यहाँ पर रखती जा रही हूँ, और साथ में ये जो हमारी एक पार्टनर थी पार्टी की, तो उन्होंने ये तिक्का बोटी की जो तैयारी की थी उसको भी हमने बैठकर मिलकर पिरो पिरो के देना स्टार्ट किया। दो तीन लोग जब मिलकर ये काम कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। एक बंदे का काम ये है ही नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर जाहिर है जब सीख कर वापस आपके पास ये सलाखें आती हैं ना, सलाखें थी बहुत सारी, लेकिन हमें जो है ना जो जिस तरह की चाहिए होती है ना बारबेक्यू के लिए, सारी उस तरह की नहीं थी। तो जो ये बोटियाँ वगैरह होती हैं ना, उसको पिरोकर जब हम बारबेक्यू करते हैं ना, तो सिर्फ कटा हुआ इसका जो टेक्सचर होता है ना, या जो साइज़ होता है वो मैटर नहीं करता, इसको पिरोने का तरीका भी मैटर करता है कि आपकी जिस तरह से जितना अच्छा तरीके से पिरोया हुआ होगा ना उतना अच्छा गलेगा, और उतना अच्छा उसका जो है बारबेक्यू होने के बाद मतलब टेक्सचर आएगा, मतलब कच्चा नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बारबेक्यू करने के टाइम पर, सब चीज़ें मिलाकर, और फिर एक अच्छा बारबेक्यू बनता है आपके लिए। तो जो चॉप्स पर मैंने जो मसाला लगा के रखा था ना, उसको हमने इस ग्रिल के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार हाथ नहीं लगाना पड़ता गरम मटेरियल को, उसको सिर्फ उठा के पलट देना है तो आराम से वो सिक जाता है। बस ये सिक कर आती जा रही थी मैं यहाँ पे हॉट पॉट में, इसको भी डालती भी जा रही थी, और साथ में जो ये जो सलाखें खाली होती जा रही थी उनको मैं परोती भी जा रही थी। तो फिर बस हमारा जो बारबेक्यू है ना, बस वो तैयारी होने वाला था, लेकिन हम लोगों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। जैसे ही तैयार हो जाता है ना, ऐसे हम लोगों को खाने बैठना था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया था। एक तो लाइटों के कोई हाल ही नहीं है, ईद पर भी इतना परेशान किया लाइट्स वालों ने। और ये मेरा छोटा वाला जो है ना मुन्ना, ये आ गया है प्यार लेने के लिए। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद अम्मा याद आ जाती है, ये थोड़ा सा हमारा ज़्यादा लाडला है क्योंकि अभी ये छोटा है। खैर दस्तरखान लग गया था, और अब हम इंजॉय करेंगे पराठों के साथ अपना बारबेक्यू। पराठे और चपातियाँ भी थी, वो मैं दिखाना भूल गई, तो उसके लिए माजरत। पान भी था लास्ट में, हमने कुछ मीठा नहीं बनाया था तो ये पान आ गया था मीठे में, तो ये भी बड़ा मज़े का लगता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आज की, इंजॉय किया होगा आप लोगों को भी। आप अपने घर पर अपने प्यारों के साथ खुशियाँ बांटें। अल्लाह पाक आपको मुझको सुकून अता करे अपने अपने घरों में, और खुशियाँ अता करे। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।